माँ एक ऐसी हस्ती है जो हो तो आंगन में बाहर आ जाती है, और जो ना हो तो तमाम तर रौनकों के बावजूद घर वैरान लगता है। लफ्ज़ माँ सुनते ही दिलो दिमाग ऐसे तरोताज़ा हो जाते हैं जैसे बारिश बंजर ज़मीन को तरोताज़ा कर देती है। माँ वो हस्ती है जो नाफरमान और बदकार औलाद को भी अपना साया शफ़क़त और ममता की ठंडक से महरूम नहीं करती। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। उजड़े बागों में बहार नहीं आती, सूखे फूलों में निखार नहीं आती। गुजर जाती है ज़िंदगी अंगारों पर, बाँह बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे कि रास्ते में ठोकर लगने से गिरने ही लगे थे कि गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। माँ वो हस्ती है जो अपने खून जिगर से औलाद को पालती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के आराम की खातिर अपना चैन सुकून कुर्बान करती है। माँ अलसा अलफ्ज़ है जो दोनों होठों के मिलाए बगैर अदा नहीं किया जा सकता। माँ वो हस्ती है जो खुद तो गर्मी बर्दाश्त करती है मगर औलाद को इस तकलीफ़ से बचाने की कोशिश करती है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप न सका और ना ही नाप सकेगा। माँ की मोहब्बत हिमालय का वो पहाड़ है जिसकी बुलंदियों को आज तक कोई छू ना सका और ना छू सकेगा। माँ के बगैर घर हमेशा वैरान नज़र आता है। माँ की मोहब्बत वो सादा बहार फूल है जिस पर कभी खिजा नहीं आती। माँ तो औलाद पर कुर्बान हो जाती है। हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयां किया जा सकता है मगर माँ की मोहब्बत नाकाबिले बयां है। माँ की अजमत और बड़ाई का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि रब्बे करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो इसके लिए माँ की मिसाल देता है। माँ वो हस्ती है जो औलाद की खातिर सर्दियों के ठंडी और लंबी रातें जागकर गुजारती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करती है। माँ वो हस्ती है जो अपना मुंह का निवाला भी औलाद के मुंह में देकर खुश होती है और ख़ुद भूखी सो जाती है। माँ वो हस्ती है जो औलाद को गर्म नरम बिस्तर पर लिटाकर खुद ठंडे फर्श पर लेट जाती है। माँ वो हस्ती है जो शोहर की वफ़ात के बाद भी औलाद को दर बदर भटकने नहीं देती। माँ वो हस्ती है जो कर्ज की चुक्की में पिस कर भी औलाद की फरमाइशों को पूरा करती है। माँ वो हस्ती है जो औलाद की थोड़ी सी तकलीफ़ पर भी तड़प जाती है। माँ वो हस्ती है जो बर्तन धोकर लोगों के घरों की सफाइयाँ करके अपनी औलाद का पेट पालती नज़र आती है। माँ वो हस्ती है जो माजूर और लाचार औलाद तक को भी बेसहारा नहीं छोड़ती।